हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो नीट एग्जाम के री एग्जाम को लेकर है, यानी नीट का एग्जाम जो है वो फिर से कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उन्होंने ये मेंशन किया, ये इन्फॉर्मेशन निकाली है कि जो नीट का एग्जाम है वो फिर से कंडक्ट कराया जाएगा। और कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा? श्रीनगर सेंटर पर, यानी जो श्रीनगर सेंटर पर नीट का एग्जाम हुआ था, जिसमें कॉपियों की लैंग्वेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि जो पेपर था वो बाइलिंगुअल नहीं था, सिर्फ इंग्लिश में था। और बाद में पेपर जमा भी करा लिया गया था टाइम होने से पहले, और बच्चों को ये बोला गया कि जो एग्जाम है वो फिर से कंडक्ट कराया जाएगा। और टाइम होने पर जब टाइम खत्म हो गया तो बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, तो काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे। तो ऐसा बोला जा रहा है, न्यूज चैनल्स में भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो नीट का पेपर था श्रीनगर सेंटर पे, जिन जिन बच्चों जो श्रीनगर सेंटर से रिलेटेड थे उन सभी बच्चों का एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। और कई सारी इन्फॉर्मेशन ये भी निकल के आ रही थी कि सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो लोग एग्जाम को लेकर कई सारे नकल वगैरह प्रोवाइड करा रहे थे। तो उससे रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि उन बच्चों का अभी री एग्जाम होगा या नहीं होगा। टोटल स्टूडेंट का नहीं होगा, सिर्फ श्रीनगर सेंटर के जो भी स्टूडेंट थे उन्हीं लोगों का री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्री किया है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन आप खुद भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ऑफिशियल न्यूज़ की बात करें तो ऑफिशियल अपडेट अभी तक ऐसी नहीं आई, यानी ऑफिशियल साइट पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है, सिर्फ न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में ही ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है। वैसे होना तो पूरा टोटल नीट का जो एग्ज़ाम है फिर से होना चाहिए, कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि एक सेंटर पर नहीं कई सारे सेंटर पर कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।